पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। सो आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ पंजाबीज इन फ्रीडम मूवमेंट। सो मैं लगता है कि साढ़े को बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ही जीनियस साडे रिसर्च रिसोर्स परसन ने साडे नाल जुड़े हुए ने इस टाइम दे विच। उन्हां दा इन्ना इंपॉर्टेंट टाइम जिहड़े कि बड़ी रिसर्च दे नाल बड़े अपने पेपर पब्लिश जिन्ना भी उन्हां दे बारे गलबात कीती जावे वह घट है क्योंकि जिन्नी उन्होंने स्टडी की है वह अपने एक्सपर्ट व्यू साडे कुलीग्स नूं साडे जिहड़े लैक्चरर्स ने कि एडवांस स्टडी दे वल जाण उन्हां नूं मोटिवेशन इस दे लई मैं उन्हां दा बहुत बहुत जी आया कर दिया कि सो ऐसी सैमीनार्स जे असी जिथे असी अज जिस हालातों दे विच असी अज बैठे हुए हाँ फिर उन्होंने करके कि असी अपने जिहड़े टीचर ने जिहड़े क्वालिफाइड परसन ने जिहड़े इंटलैक्चुअल्स ने वह कदे रुक नहीं सकते। सो पानी हमेशा वहिंदा रहिंदा है इस करके कि ऑनलाइन सैमीनार्स वैबीनार्स असी करवा रहे हैं डिफरेंट जिहड़े साडे रिसोर्स परसन ने इन्होंने बहुत ही जिहड़े वैबीनार ने अजकल किते ने डिफरेंट कॉलेजेस दे विच। सो पानी हमेशा वहिंदे चंगे लगते ने। सो असी अपनी जिहड़ी लाइन है जिहड़ी साडे इंटलैक्चुअल्स दे नाल जिहड़ी साडी एक इंटरेक्शन है वह कंटीन्यूसली उस तरह चली जा रही है। सो बहुत बहुत अभिनंदन जी आया कि असी अज का यह सैमीनार करवा सके कि सिर्फ उन्हां दी बदौलत कि उन्हां दा कीमती समा लैके असी अज दे सैमीनार दे विच सारे जिहड़े लैक्चरर इस दे विच आए हुए ने जां उन्हां नूं अटेंड कर रहे ने असी मैं उन्हां दा उन्हां दे प्रिंसिपल्स दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि जिन्हां दी परमिशन सदका जिन्हां दी गाइडेंस सदका वह अज इस तो बहुत ज्यादा फायदा उठाउणगे कि जिहड़े साडे आउण वाली पीढ़ी है उस नूं असीं रिसर्च दे नाल अगे लैके जावांगे। सो गल पंजाब दी करदिआं होइआं कि पंजाब उह राज है जदों जदों भी जिथे जदों भी कोई बाहरों आया तो पंजाब दे रस्ते राहीं आया। सो पंजाबियां ने बहुत कुछ पाया ते बहुत कुछ गवाया। सो जिहड़ियां मूवमेंट्स आईआं ने डिटेल दे विच असीं डॉक्टर साहब तों डॉक्टर जिगर मुहम्मद डॉक्टर मुहम्मद इडिस तों असीं इही उन्हां तों सुणांगे कि जिहड़ियां साडे ते जिहड़ियां चीज़ां सानूं नहीं नज़र आ रहीआं कि उस तों पर्दा उह उठाउणगे। ज़्यादा समां ना लैंदिआं होइआं बहुत बहुत जी आया धन्नवाद। सो धन्नवाद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच जी। एसी साडे प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम शर्मा जी अंडर हिज हर गाइडेंस वी ऑलवेज पे ट्रिब्यूट टू अवर मार्टियर्स। इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द यंग हिस्टोरियन डॉक्टर मोहम्मद इदरीस हु हैज पब्लिश नंबर ऑफ रिसर्च पेपर articles in tribunes and other newspapers, and he is a head of Punjabi University Patiala. I request Dr. Mohammad Idris to please be online to share his views with us, and I thank all the colleagues, all the fellow professors who joined us. I think more than my Vishal Goyal, the head of the computer department, told me that more than 100 professors of different streams are joined with us. I thought Madam Madhu, I request Idris. Yes. Hello. Screen, please screen. Hello. Hello, Handi, I can hear your voice, sir. Yes, yes. Screen me, Ari. Vishal. सर थोड़ी स्क्रीन नहीं आ रही जी, एक मिनट स्क्रीन पे पुट। सर प्लीज अपना वीडियो ऑन करोगे जी? यस यस, हाँ जी प्लीज। मोहम्मद इदरीस इज अ वेरी यंग intelligent, enthusiastic young historian
who head the Punjabi is it okay? Professor Akhina, is it okay? Sir, screen to sorry, video nahi aa rahi sir, awaaz aa rahi hai, audio aa rahi hai, video nahi aa rahi sir, please. Okay. आती चली जाती हेलो हाँ जी सर वी कैन हियर यू या वी कैन आल्सो सी यू थैंक यू ओके रिस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम शर्मा जी Professor Archana and all the staff members of Lal Bahadur Shastri Arya Mela College Barnala. First of all, I congratulate to all of you. You are organizing a seminar on the role of Punjab in freedom movement of India. And secondly, I am very thankful to you, all of you, for giving me this opportunity to share my views, to share my talk with all your faculty members, the teachers from the different colleges, different institutions and different universities. It is very difficult for me to discuss in front of the senior scholars like Professor Zikr Muhammad, who devoted his whole life to the history of medieval India and modern India and Indian institutions. So with this background, I want to talk my three or four points with you. Firstly, the term Punjab coined, and secondly, areas of Punjab. Hello. Hanji sir, Hanji, please continue. Is okay. And thirdly, the background of the freedom struggle and contribution of the Punjabis in the form of individuals and their relevance in the present setup. So, as we all know, the term Punjab is coined by the medieval times. Some people say ke a term hai jo Abul Fazl ne first time use kiti in Aine Akbari, and kuch ho lokan da opinion hai ke us to pehla bhi a term use kiti jandi si. So Pai means panj aur A means waters, panj daryavan da desh. Pehla ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੱਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਡੀਵਲ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪਸ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ 1911 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 1911 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ made by the Y.S. Parmar, who was the founder of modern Himachal Pradesh. Areas of Punjab fair cut kite gaye. So is to baad modern Haryana 1966 de vich Haryana baneya. Is to baad jada jadon assi Pepsu di gal karde ha, Patiala and East Punjab States Union,
ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਸਤਲੁਜ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਨੇ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਲ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ 350,000 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 50,000 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਓਨਲੀ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਪਟਨੇਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਟਰੀ ਵਾਸ ਕਾਬਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਐਂਸੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਲੈਂਡ। ਜੇਕਰ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਮਪਰਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ ਚੇਂਜਡ ਬਾਏ ਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਵਾਇਆ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਔਰ ਥਰੂ ਦ ਸੀਸ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਾਇਆ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਲ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਰਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਮਪਰਰਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ 1589 ਫਾਦਰੇ ਮੌਨਸਰੇਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਊਟਰ ਆਫ ਅਕਬਰਸ ਚਾਈਲਡਰਨ। ਸੋ 1589 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਊਟਰ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਸੋ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਵਾਜ਼ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਦੋਸ ਟਾਈਮਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ, ਸੂਰਤ। ਸੋ 1757 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਤੱਕ ਦੇ ਮੇਡ ਸਰਟਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਦਾ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਲੌਂਗ ਰੂਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ,
और क्यून्स प्रैक्लोमेशन, और जेड़ा इंडियंस दे विच जेड़े रिवोल्ट दी कंट्री रिवोल्ट दी स्टार्टिंग सी, इट वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द लैंड ऑफ पंजाब, पंजाब दे इलाकियां दे विचों शुरू हुई आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह 1839 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਫਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1846 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਐਕਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਈਗਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਾਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਮੰਗ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ rights or the security or the jada preservation of their cultures, their communities, their ideas of their jadiyan legacies, heritages. But more or less number of the socio religious reform movements were in favor of the British people. Unna da jada attitude si towards British, it was very pro. So 1846 ਤੋਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਫੋਰਮ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ ਆਲਸੋ ਐਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਦੁਆਰਾ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਮਿਲਿਆ। ਐਟ ਟੂ ਦਾ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 1858 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1885 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 60-65% ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। When we study about the prominent freedom fighters of India or the freedom fighters of Punjab, book written by Dr. Param Bakshi and other Dr. Fauja Singh Nair, inna kitabaan de vich Punjabi is the leading role bare sanu detailed freedom fighters de naam, unna diyan contributions de ba naam bare jankari mildi hai। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 90 ਈਅਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਇੰਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਔਰ 50 ਕਾਇੰਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਯੈਸ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 50 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
and it was also at the national level, and some of the Gadraites traveled to the foreign countries like Japan or Afghanistan, then Russia, again Germany to England, और इन्हां यूएस इंग्लैंड कैनेडा दे विच गा के भी उन्होंने चाइना सिंगापुर थाईलैंड फिलिपाइंस मलाया और ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन एरिया से विच भी उन्होंने द्वारा वर्क किया गया। जदों असीं जिहड़ियां कंट्रीब्यूशन दा मेजर रोल देखते हैं पंजाबियों का, उन्होंने सब तो पहला सी जिहड़ी मतलब गदर पार्टी सी, और गदराइट्स दा वर्क की सीगा, और गदराइट्स दा एम की सीगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग के 1857 58 दे विच जदों इंडिया दे विच रिवोल्ट हो रहा सी, गदर हो रहा सी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम फोर पंजाबीज दे वर फ्रॉम द अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर जिले दे चार पंजाबी सीगे, दो जिहड़े लाहौर दे मॉडर्न लाहौर दे और दो सरहाली दे सी, उन्होंने ट्रैवल कीती टू चाइना एंड इन दोस टाइम्स दे वर सेटल्ड फॉर 5 to 10 ईयर्स इन द हांगकांग एरिया, और हांगकांग तो घूमते घुमाते ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ 1896। 1896 ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1800 ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1896 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905, 1905 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1915 ਦੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦਾ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦ ਵਰਲਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 3 to 4 lakh ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਮਾ ਮਲਾਇਆ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਓਨ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰਾਈਟਸ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਪੋਰਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜੋ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਅਰਲੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਔਰ ਬਾਏ ਚੋਇਸ ਇਨ ਦਾ ਯੰਗ ਏਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਰਕਿੰਗ
वर्किंग सी, इट वॉज द नामधारी संप्रदाय, नामधारी मूवमेंट, जिन्हों द्वारा स्वदेशी का जिहड़ा जिहड़ा कंसैप्ट दिता गया। सो जिहड़ा सो इस दे नाल ही अनदर इंपोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब विच इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, जलियांवाला बाग मासेकर, जलियांवाला बाग दी जिहड़ा खूनी साके दा होना, जिस दा असी हुणे 100 साल शताब्दी मना के हटे हां, उसे दे विचों जिहड़ा शहीद उधम सिंह द्वारा उस नूं जिहड़ा अपने अपने पीपल्स अपने राइट्स अपने जिहड़े कल्चर दी राखी दे लई 21 ईयर्स दा जिहड़ी सेल्फ मेड जिहड़ी एग्जाइल और सेल्फ मेड जिहड़ा स्ट्रगल दे विचों की वर्क कीता गया। सो अनदर इंपोर्टेंट मूवमेंट वाज कीर्ति फॉर्मेशन ऑफ द कीर्ति किसान सभा मूवमेंट, जिहदे विच पीजेंट्स लोअर कार्डर दे वर्कर सीगे और उन्हां वर्कर्स द्वारा जिहड़ियां भाई संतोख सिंह ते होर लीडर सीगे जिन्हां ने सोवियत यूनियन ते होर तरीकियां दे नाल जिहड़ा इंडिया दे पंजाब दे विच फिर जिहड़ा सैकंड अटैम्प्ट कीती गई के गदर करके आजादी प्राप्त की जाए। बिकॉज जिहड़ा 1917 दे हैव द मॉडल ऑफ द 1917 दी बोलशविक रेवोल्यूशन और फिर जिहड़ी कोमागाटा मारू दी घटना वापरी जो कि वैनकूवर कोर्ट दे उपर गया। सो जलियांवाला बाग, कोमागाटा मारू, कीर्ति किसान पार्टी, गदर पार्टी दी फॉर्मेशन होना और 1929 दे विच कांग्रेस द्वारा लाहौर सैशन दे विच जिहड़ा इट वाज आल्सो लीडिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, पूर्ण स्वराज दी फॉर्मेशन, पूर्ण स्वराज दी जिहड़ी मांग करनी 1927 दे विच। सो दिस वाज एट द नेशनल लेवल, साइमन कमीशन दी ट्रैवल्स होना पंजाब लेवल ते, जिहड़ी फिर एक जिहड़ी साडी रीजनल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरी इंपोर्टेंट इवेंट जिहड़ा के एस्टैबलिश दे इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब और इन दीस डेज इट इज वेरी रेलेवेंट। जिस तरह के असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत होना, श्रोमणी अकाली दल दी फॉर्मेशन होना, सो टू प्रोटेक्ट अवर रीजनल कल्चर, टू प्रोटेक्ट अवर रीजनल हिस्ट्री, टू प्रोटेक्ट अवर रीजनल जिहड़ा हैरीटेज, इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम टू फॉर द डिफेंस और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो अजिहे इंस्टीट्यूशन की रक्षा दे लई उन्हां दी स्थापना दे लई ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮੋਰਚਾਸ ਵਰ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਦ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦ 3 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਪਰਪਸ ਸੀ ਜੋ first of all they were very clear, the freedom fighters of Punjab almost 65% to 68% or some people write some writings de vich likhya gaya ke
60 to 65 or some de vich 65 to 68 were the Punjabi freedom fighters. So they were very clear for the complete independence of their state, not only their state, the complete independence of India. Oh, whole of India di purna azadi chahunde sige. Aur dusra jada siga, to infuse the spirit of patriotism. Inde vich jehdiyan large number of the people were participated from the Punjabi areas. They were the youngsters. Aur jehdiyan unna diyan jehdiyan youngsters dwara jehda ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲਸ ਵਰ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ. ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਲਾਈਕ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਦਾ ਥ੍ਰੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਇਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕ੍ਰੀਡ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ. ਦਾ ਰੋਲ ਵਾਸ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਫਾਰ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਵਾਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚ. With these words, I am very thankful to Professor Neelam Sharma ji, Professor Archana, and other teams, so Dr. Sarita, Dr. Purnima Garg, and all the faculty members of Lal Bahadur Shastri Arya Mela College for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. I have no words to thank you for sparing valuable time, as you are a head of the Punjabi University History Department. I know you are very busy. And thank you very much to introduce with us Dr. Jigar Muhammad, because aapke karan hi hum Dr. Jigar Muhammad ke contact mein ho paaye. I have no words to thank you. Thank you very much. And definitely we will organize next seminar with you. Thank you very much. Now I welcome Dr. Jigar Muhammad, the senior, with the very senior professor. He's dean research, Jammu University. He did his PhD from Jamia Millia Islamia, New Delhi. 30 years of teaching experience, so long. And he has published 50 research paper, one book. He's very, I would say he's very humble. I talked to him. He's very humble and generously say yes for two seminars, one for ICHR, but definitely. We didn't get that seminar. And when I talked to Dr. Jigar Muhammad, he said, yes, ma'am, of course, I will do. I request Dr. Jigar Muhammad, please share his views with us, the role of Punjab on freedom struggle. Over to you, sir, Dr. Jigar Muhammad, sir. Okay, sir. Okay, madam. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, okay. Sir. Yes, sir. Respected Professor Neelam Sharma ji, Honorable Principal Lal Bahadur Shastri Arya Mahila College, Professor Achna, Dr. Muhammad Idris, and other participants, professors, scholars, students. I am very thankful to Madam Principal of Lal Bahadur Shastri Arya Mahila College
that she extended invitation to me to talk on freedom movement of India and role of Punjab. Now, I will speak how in Punjab a culture of expression was well established. Culture of expression means that what people thought that was to be expressed without any inhibition, without any socio-political pressure. तो जब हम कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो कि फ्रीडम मूवमेंट को एक नई दिशा दिया था तो उसमें हमें मिलता है कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन जो है गुरु नानक जी ने सबसे मजबूत तरीके से पंजाब में एस्टैब्लिश किया था कि अपने विचार को अपने आइडियाज को इंसान व्यक्त करे और यही कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा बेस बना और आप देखते हैं कि पंजाब में सोसाइटी जो थी या जो है वो बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी थी और एग्रेरियन सोसाइटी पंजाब में मजबूत हो चुकी थी करीब 14 सेंचुरी से। आपको पता है एक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहर जो है कैनाल जो है वो पंजाब तक खुदवाया था और पंजाब के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जब वो एग्रीरियन सोसाइटी थी उस वक्त आप देखेंगे ख्याल करेंगे कि जब अंग्रेजों ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया उसी वक्त आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में एक बहुत बड़ी रियासत कायम किया लाहौर दरबार क्योंकि उनको पंजाबी जो है वो एक तरह से अपने विचार को व्यक्त करने वाली पॉपुलेशन मिली। तो इस नजरिए से लाहौर एक बड़ी रियासत बनी और महाराजा रणजीत सिंह ने हर तरह के विचारों के लोगों को अपने राज्य में नियुक्त किया उनको अपॉइंट किया। अब जब महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के अलग अलग विचारों के लोग काम करने लगे लाहौर दरबार में तो एक इंक्लूसिव कल्चर जो है और आगे बढ़ा और जब इंक्लूसिव कल्चर बढ़ा तो उस वक्त पंजाब में एक तरह का विचार व्यक्त करने की क्रांति सी पैदा हो गई कि तरह तरह के लोग एक साथ काम करें तो बेहतर है ये कल्चर जो है और आगे बढ़ने लगा। लेकिन आप सबको पता है कि आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह डेथ ब्रिटिश
government decided to occupy Lahore Darbar. वो सारा आप जानते हैं. पंजाब के लोगों ने लड़ा भी उनके खिलाफ. एंग्लो सिख वॉर आप जानते हैं. लेकिन ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ब्रिटिश के पास आर्मी बहुत ज्यादा थी, तो ब्रिटिश कामयाब हुए. लेकिन जो वहां कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन स्थापित हुआ था वो कल्चर खत्म नहीं हुआ. अंग्रेज उस कल्चर को खत्म नहीं कर सके, भले ही उन्होंने लाहौर दरबार पे अपना कब्जा कर लिया. अब ये कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये बरकरार रहा और पंजाब में ये कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग सामाजिक ग्रुप में जारी रहा. किसान लोग है, व्यापारी वर्ग है, दस्तकार लोग है, मध्यम वर्ग के लोग जो टीचर्स है, तो ये सारे लोग अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते थे. इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा. पंजाब ऐसा इलाका था या इलाका है जहां पर लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को बहुत महत्व देते हैं, देते थे और देते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर. हालांकि डिग्निटी ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है सबसे ज्यादा गुरु नानक जी ने असर बनाया था, सबसे ज्यादा असरदार बनाया था. तो अब जब डिग्निटी ऑफ लेबर और कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो उसी वक्त ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य को सिर्फ विस्तार करने के लिए नहीं बल्कि अपने विचार को पूरे हिंदुस्तान पे लादने का एक प्लान बनाया. और इतिहास में जब विचार थोपा जाता है तो विकास रुक जाता है, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं. इतिहास में खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में विचार थोपने की परंपरा जो है, नॉट परंपरा, विचार थोपने की रूढ़िवादिता जो है वो सबसे खतरनाक होती है. तब ब्रिटिश ने यही काम शुरू किया कि ठीक है, उन्होंने हर जगह अपना विचार थोप दिया था. अब खाली ब्रिटिश की गलती नहीं है क्योंकि हम वो थोपे हुए विचारों को मानने के लिए तैयार थे. अब एक हम ऐसे हम लोग बोलते हैं, हमारे मुल्क में, भारतवर्ष में डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट ब्रिटिश ने स्थापित किया. अरे भाई वो तो ठीक है, अगर वो डिवाइड एंड रूल यहां पर लागू किया तो हमारी भी तो गलती है. वी वर ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अदरवाइज वो कैसे कर देंगे. लोग बोलते बुराई फैलाई जा रही है. अरे भाई बुराई जो फैला रहे हैं उनको सफलता तब मिलती है जब हम उस बुराई को मानने के लिए तैयार हैं. आप देखेंगे गुरु नानक जी हैं, गुरु अर्जुन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद जी हैं, इन्होंने बुराई को कभी
एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक परंपरा ये भी थी। लेकिन मैं उस पर आता हूं मुद्दे पर कि ये बात जब पंजाब के लोगों ने रियलाइज किया कि अंग्रेज तो अपने विचार को हमारे ऊपर लाद रहे हैं, तो वहां पर चूंकि एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो एग्रेरियन सोसाइटी की खास बात इतिहास में जो दिखाता है, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है उसके जरिए मिलता है, एग्रेरियन सोसाइटी में लोग दूसरे का विचार के साथ साथ अपना विचार भी व्यक्त करने में रुचि रखते हैं। ये नहीं है कि दूसरा ही अपना विचार व्यक्त करे, वन साइडेड नहीं, वो टू साइडेड होता है। और बहुत चूंकि एग्रेरियन सोसाइटी में किसान लोग बहुत मेहनतकश होते हैं, कोई मुकाबला नहीं होता है, हालांकि उनको ये हमारा नेचर है, हम बड़े ही अजीब निगाह से देखते हैं। तो जब ब्रिटिश एम्पायर बढ़ने लगा, थोपने लगे, तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है कि रॉलेट एक्ट 1919 कि किसी को भी बिना किसी ट्रायल के उसकी गलती को देखे हुए, डिस्कस किए हुए कैद किया जा सकता है। अब आप देखें कैसे थोपने का ब्रिटिश ने कि कोई कसूरवार है, दोषी है या नहीं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती है तो उसको कैद कर लेगी। ये तो इतिहास में मैंने किसी समय में देखा नहीं, प्राचीन काल से लेकर इस तरह का कोई कानून था नहीं। और ब्रिटिश लोग क्या कहते थे, देवर फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड अ टाइप ऑफ इलेक्शन, अ टाइप नॉट लाइक टुडे। तो अब यहां पर एक तरह विरोधाभास मिलता है, कंट्राडिक्शन मिलता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि देवर फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरह अलाउ था, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भावना जो मॉडर्न सेंस में है ब्रिटेन में एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो अब एक अजीब बात हुई कि पंजाब के लोग जो कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन मान रहे हैं 15 सेंचुरी से, अब उन लोगों को एक तरह से पूरा ठहराव आ गया कि अंग्रेज जिसको चाहेंगे उसको बंद कर देंगे, ये कह के कि वो देशद्रोह में शामिल है। और जो 1918 का रॉलेट एक्ट है उसको लागू भी कर दिया गया। तो पंजाब में आपको पता है लोगों ने इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया, इसलिए नहीं किया विरोध कि उनको विरोध करना था, इसलिए किया कि उनकी सदियों का तहजीब, सदियों की संस्कृति पर बहुत बड़ा अटैक था। और आप सबको पता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल, इनको पॉपुलर सपोर्ट मिला, सबसे बड़ी बात है। लोक समर्थन मिला और अंग्रेज घबरा गए कि पंजाब क्यों इंपॉर्टेंट है या था या रहेगा,
क्योंकि एक तो पंजाब बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट करता था, दूसरा पंजाब लैंड रूट पर था, एक व्यापारिक रास्ते पर था, जिससे कि ईरान, सेंट्रल एशिया, अरब तक लोग जाते थे। तो अब वहां पर एक तरह का पहले ही तरह तरह के लोग व्यापारी आते थे, मिलते जुलते थे। अब यहां पर उनको यहां पर फिर यहां पर एक तरह का जब दोनों को कैद कर लिया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो, डॉक्टर सतपाल को, ये मोमेंट और ज्यादा पॉपुलर हो गया। लोग का सोच कि कैसे कल्चर या एक्सप्रेशन को ब्रिटिश बंद कर सकते हैं। और चूंकि आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर ट्रेजेडी, बिकॉज ब्रिटिश ऐसी ताकत थे जिनका सोच थी आवाज बंद करो, और दूसरे की आवाज बंद करो, अपनी आवाज को सिर्फ सुनाओ। ये बहुत खराब कल्चर होता है। इतिहास ही बताता है जहां पर कोई भी सामाजिक ग्रुप या पॉलिटिकल पार जो है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनाती है, दूसरी की आवाज बंद कर देती है, वहां पर लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, विकास रुक जाता है। और आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर सिर्फ पंजाब में नहीं रहा, ठीक है, ये घटना जो है, ये दुखदाई घटना जो है वो अमृतसर में घटेगी, लेकिन पूरे इंडिया इवन वर्ल्ड में हमें मिलता है इस घटना का, इस आवाज दबाने की पॉलिसी का विरोध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड वापस कर दिया। अब सोचो गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ पूरी तरह से सब कुछ वापस कर दिया। तो अब ये जलियांवाला बाग घटना जो है, ये पंजाब ने पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में ब्रिटिश को एक्सपोज कर दिया कि जालिम है ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश सरकार जालिम है, टायरेंट है, और जालिम के खिलाफ आवाज उठाना फर्ज है लोगों का। तो अब जो पंजाब में कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन एस्टैब्लिश हुआ है वो एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की आजादी के लिए पंजाब में लोग की आवाज बन गया। और आपको पता है अभी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ने बहुत अच्छा बोला कि पंजाब में जो आवाज थी वो यूथ की बनी, नौजवान लोगों की बनी, भले भले ही लीडर लोग एक्सपीरियंस होल्डर थे लेकिन यूथ की आवाज बनी। अब भगत सिंह, सरदार भगत सिंह आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है,
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रेस किया उन इश्यूज को जो किसानों से ताल्लुक रखते थे, जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसमें सोशलिस्ट वर्ड है और ब्रिटिश लोग सबसे ज्यादा इस वर्ड से नफरत करते थे, सोशलिस्ट वर्ड से, क्योंकि वो लोग इंपीरियलिस्ट थे। कोई भी इंपीरियलिस्ट सोशलिस्ट वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवादी का मतलब है कि दूसरे की आवाज बंद करके हर जगह अपनी आवाज एस्टैब्लिश करो, तो आवाज की गुलामी कर देंगे, हर आवाज को गुलाम बना लेंगे। तो इसीलिए भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने, उन्होंने एक ऐसी चेतना फैलाया जिससे कि लोग को किसी तरह से डिवाइड न किया जा सके। क्योंकि ऐसे ही मैं मेंशन कर रहा हूं, पंजाब में कम्युनल फोर्सेस भी थे। आप जानते हैं मुस्लिम लीग का असर हिंदू महासभा का भी असर हो गया था, बल्कि सबसे पहले हिंदू महासभा जो बनी थी वो पंजाब में थी। एनीवे 1909 में, तो अब भगत सिंह चूंकि बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी इंसान थे, तो उन्होंने इस मसले को पूरी तरह से भाप लिया और उन्होंने नौजवान सभा एस्टैब्लिश किया और बोला वाई आई एम एन एथीस्ट। कि जो अंग्रेज लोग मजहब के जरिए बांटते थे वो किस्सा ही भगत सिंह ने खत्म कर दिया और ये एस्टैब्लिश किया कि जो अंग्रेज लोग समझते हैं इंडियन लोग ना समझ है, सीक्रेट एक्ट पास करते हैं, सेफ्टी एक्ट पास करते हैं इंडियन लोगों की आवाज दबाने के लिए, वो इंडियन जानते हैं। और ये सारा आप लोगों को पता है कि भगत सिंह कोई ऐसा काम नहीं कर सक रहे थे। उनका कहना था ये जो बहरी गूंगी सरकार है उसको पता चले कि हम सब कुछ समझते हैं, इसलिए उन्होंने एक आवाज बुलंद किया। और एक नौजवान होने के नाते उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि कितना बड़ा इंपीरियलिस्ट हो, जब लोग नेशनलिज्म के लिए काम करते हैं, देशभक्ति के लिए काम करते हैं, तो वहां पर लोग का सामाजिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, वहां देखा जाता है कि लोग जो है वो एक साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ एक हैं। और भगत सिंह जी ने पूरी तरह से ये बात एस्टैब्लिश किया कि नौजवान तबका जो है पंजाब में वो अपना आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा तैयार है। आप बिल्कुल जाते हैं पंजाब में मार्टियरडम शहीदी का कल्चर वेल एस्टैब्लिश था बहुत पहले से, आप जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का आप जानते हैं, उससे पहले गुरु अर्जुन देव जी का आप जानते हैं। तो ये कोई ऐसा तो था नहीं, शहादत देने का तो वहां एक परंपरा थी। तो भगत सिंह ने भी अपनी शहादत दिया देश के लिए, लेकिन
उनकी शहादत का बड़ा भारी असर हुआ, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सोशलिज्म फैल रहा था, आप सब जानते हैं कैसे सोशलिज्म यूएसएसआर में आया था। तो अब अंग्रेज का पोल जो है, अंग्रेज की साम्राज्यवादी नीति जो है, भगत सिंह ने पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया कि ये लोग सिर्फ हुकूमत नहीं करते, ये लोग लोग की आवाज को गुलाम बनाते हैं। और इसका क्या असर हुआ कि अब नौजवान तबका भगत सिंह से मुतासिर होके, इन्फ्लुएंस होके पूरे भारतवर्ष में फैल गया। एक बहुत अच्छा पॉइंट मोहम्मद इदरीस ने कहा कि अब आप देखेंगे कि पहले से ही पंजाब के लोग एब्रॉड विदेशों में जाके बसे थे, बहुत मेहनत करते, जैसे उन्होंने देखा इंडिया में नाइंसाफी हो रही है, तो उन्होंने बाहर भी इंडिया की आजादी का झंडा फहराया कि आजादी होगी भाई, बड़े जबरदस्त तरीके से। आप सब जानते हैं किस तरह से मदनलाल धीकरा जो थे, सोहन सिंह बखाना जो थे, ये सब जो है यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, हर जगह। और इन लोगों ने किया क्या था कि सारे तरह के लोगों को एक साथ किया था, सारे मजदूर तबका, सारा फिलोसफर तबका। तो अब पंजाब के लोगों ने ब्रिटिश को यूरोप में ही, अमेरिका में ही पूरी तरह से बेनकाब कर दिया कि ब्रिटिश जो बोलते हैं कि दूसरे के विचार को ये पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में लोग जुल्म कर रहे हैं। तो अब पंजाब सिर्फ पूरे इंडिया को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है पूरी दुनिया को, जो लोग साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो मजदूर तबके के सप्रेशन के लिए खिलाफ थे कि मजदूर तबके का सप्रेशन कौन करता है, ब्रिटिश लोग करते हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी। ये जरूर दिखाते थे हम बड़ा ना इंसाफ पसंद है ब्रिटिश लोग, हम एक मिनट में सजा दे देते हैं कसूरवार को। अरे भाई सजा वो किसको दे रहे थे गलत तरीके से, इंडियन को। ये कौन सी ना इंसाफ इंसाफ पसंदी है, ये तो ना इंसाफी है कि आप बिना किसी बात के खूंखार सजा दे रहे हो। तो एक तरह का ब्रिटिश लोग आतंक फैला दिया हुकूमत के जरिए, उस ब्रिटिश के स्टेट टेररिज्म पॉलिसी के खिलाफ पूरी दुनिया में पंजाब के लोगों ने यह खबर पहुंचाई कि ब्रिटिश जो कहते हैं उसका उल्टा कर रहे हैं, इंडिया का सारा वेल्थ जो है ड्रेन कर दे रहे हैं, सारी दौलत अपने मुल्क में ले जा रहे हैं, इंडिया के लोगों को एक तरह से आतंक के साए में रखते हैं। लेकिन पंजाब के आसपास इसका बहुत असर हुआ, आप जानते हैं पेशावर ऑनवर्ड खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल, हालांकि वो अफगान लीडर थे लेकिन असर तो था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी है काबुल तक महाराजा रणजीत सिंह का हुकूमत थी। तो
अफगान लोग भी पंजाब से प्रेरित होकर और वो भी थे कि अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। खान अब्दुल गफ्फार खान, बचा खान और सरहदी गांधी और फकरे अफगान, अब सोचो इतने टाइटल मिले। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर गांधीयन मूवमेंट को चलाया, गांधी जी के मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों का साथ दे रही थी, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहां पर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया और एक उन्होंने पार्टी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार। सोचो नाम क्या रखा, सर्वेंट ऑफ गॉड। जो खुदा का सर्वेंट है वो तो अपनी आवाज सहज तरीके से जरूर सुनाएगा, नॉन वायलेंट पूरी तरह से था। तो अब जब पंजाब का भी मैंने एक लाइन बोला कि वहां पर कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूसिव है, कल्चर ऑफ एक्सप्रेशन मींस इंक्लूसिव का मतलब कि वहां हर तबके का इंसान, क्योंकि हमारे यहां तबका बहुत माना जाता है, वर्ग जो क्लास जो है लोग इसको स्वीकारते नहीं लेकिन मानते हैं हिडन तरीके से। एक दौलतमंद अपने गरीब रिश्तेदार को बुलाने से बहुत कतराता है, दोनों का ब्लड रिलेशन है लेकिन उसको मिलने में बहुत शर्म आती है, एक ऐसा बना है। तो जब इस तरह का कल्चर होता है कि हम तबके के रूप में मिलेंगे, हम क्लास के रूप में मिलेंगे, अपने औकात के लोगों की उसमें मिलेगी, तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये मसला ही खत्म कर दिया कि आप लोग सारे खुदा के सर्वेंट हो। तो अब वो जो खान अब्दुल गफ्फार खान का खुदाई खिदमतगार का मूवमेंट जो था, वो कम्युनल फोर्सेस को नहीं अच्छा लगा, लेकिन आप सबको पता है कि इस तरह का विचार जो है पूरे पंजाब में फैल गया, जरूर आया पेशावर से, पूरे पंजाब में फैल गया। तो अब पंजाब के लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना मूवमेंट तेज कर दिया, ठीक है, पंजाब का पार्टीशन हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ, लेकिन जो लोग वहां के थे वो तो अंग्रेज के खिलाफ ही काम कर रहे थे, अंग्रेज अपनी चाल में सफल हुए कि विभाजन कर दो, और विभाजन भी पंजाब, और फिर भी आज भी आप देखेंगे तो पंजाब के लोग जहां भी जाते हैं एक तरह से अपने कल्चर को व्यक्त करते हैं, पंजाबी स्टाइल में रहते हैं। क्योंकि आप जब भी देशभक्ति की बात करेंगे तो वहां पर रीजनल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे रीजन मिलके, सारे प्रदेश मिलके एक देश बनाते हैं। ये कहना कि रीजनल कल्चर, आर ई जी आई ओ एन एल ए एल, रीजनल कल्चर ठीक नहीं, ये गलत है इतिहास में। नेशनलिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए रीजनल कल्चर का एसर्शन जरूरी है। सारी बोलियां इंडिया की जो हैं, सारी भाषाएं जो, वो मिलके एक देश बनाया है। तो आप देखते हैं पंजाबी
लैंग्वेज लिटरेरी रूप से वेल एस्टैब्लिश किया है, पंजाबी खाने पूरे इंडिया में फैल गए हैं, पंजाबी टाइप का ड्रेस जो है पूरे इंडिया में लाइक किए, आप देखें पंजाबी सॉन्ग, तो एक तरह का ये असर है, इन्फ्लुएंस है कि पंजाब के कल्चरल एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिया के हर कोने पर हैं, साथ साथ आपको मिलेगा फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। भांगड़ा करते हैं लोग खुशी से, भांगड़ा भी एक्सप्रेशन है थॉट का, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए डांस है, नहीं, एक थॉट एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कई तरह के लोग, ग्रुप पे लोग, हर तबके के लोग एक साथ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो जब हम भारतवर्ष की आजादी की बात करते हैं तो पंजाब एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आता है और ये परंपरा जो है हमें याद दिलाती है कि पंजाबी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो सबको विचार व्यक्त करने की आजादी देता है, उस पर इस तरह का रोक नहीं लगाता कि आपके विचार गलत हैं। अरे भाई, विचार जब व्यक्त करता है इंसान तो उसको सुधारा जा सकता है, अदरवाइज उसके अंदर अंदर वो ज्वाला की तरह बना रहता है। तो ये लास्ट मेरा कंक्लूजन है कि पंजाब का जो आजादी की लड़ाई में थॉट एक्सप्रेशन का, संस्कृति को मजबूत किया गया, वहां के लोग अपने विचार को व्यक्त किए बिना ये डरे कि ब्रिटिश लोग हम पे अटैक करेंगे, और वहां पर बड़ा मजबूत एक सोशलिज्म का कंसेप्ट आया था भगत सिंह के जरिए, वो किसानों के लिए, दस्तकारों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए एक तरह का ब्रिज के रूप में काम किया, सब इकट्ठा रहेंगे भले ही उनका पेशा अलग अलग है। वो आज भी पंजाब को एक दुनिया में पहचान वाला प्रदेश बना सका है। इन शब्दों के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। एक बार फिर शुक्रिया प्रिंसिपल मैडम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, प्रोफेसर अर्चना जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, जो मेरे को ज्ञान है उसे मैंने व्यक्त किया। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। यू आर सच अ सीनियर एंड इंटेलिजेंट पर्सन, सच अ जनरस पर्सनालिटी यू आर। वी आर आई फील ओब्लाइज्ड कि आप हमारे सेमिनार में बने, और आई थैंक्स फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू शेयर्ड विद अस and very detailed information about Punjab, the role of Punjabis in the freedom struggle. मुझे भगत सिंह की लाइन से याद आ रही है कि उन्होंने बोला था कि दिल से निकालोगे ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी कुछ बेवफा आएगी। और आपका जो लेक्चर था उसकी एक एक लाइन जो है वो हमारे पंजाबियों की देशभक्ति को व्यक्त करती है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। Thank you. I would like to thank my principal, Dr. Neelam Sharma, who always ready to give her free hand to organize such a national level webinars. I thank Dr. Muhammad Idris, and I would like to thank Dr. Gurkiran Garewal also, who inspired me to do the seminar. मुझे डर लग रहा था कि इतने बड़े आप वक्ता हैं, उनके सामने हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन ये आपकी सपोर्ट है, यू आर सो सच अ जनरस एंड पर्सनालिटी कि आपने हमें इंस्पायर किया। थैंक यू वेरी मच। वी फील वेरी कंफर्टेबल विद यू, एंड सर डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज वन मोर सेमिनार। आई विल टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच।
to thank I would like to thank each and everyone who joined with us on this webinar. The feedback link was given on the in the chat box, and I send them personally also. As you fill the feedback form, you will get the certificate immediately. Thank you very much, sir. Thank you. I have no words to thank. Thank you, sir. Thank you. And it's a compulsory to fill the feedback form. Without filling the feedback form, you won't get the certificates. As you fill the feedback form, you will get certificate within 3 or 2 minutes. Thank you very much. Thank you. Thanks to all who joined us. And definitely, we will going to organize one more national webinar. One on NSS and one on from History Department. Very soon, we will provide you the information. Thanks. Thank you very much for your valuable time you spare for us. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Very